आपका आज ही स्वागत है। एक एयरपोर्ट की भाई बहुत ज्यादा फरमाइश हो रही थी हमसे कि वो देखें आप जरूर, और वो कौन सा बताएंगे मौसम भाई। टाइटल है टर्मिनल 3 चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। वाओ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं एयरपोर्ट पे इस तरह की अनाउंसमेंट होगी। अच्छा, चलिए देखते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके लिए लोकेशन के लिए स्टॉक में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लखनऊ एक तेजस्वी इतिहास से बना शहर जिसकी भविष्य की आकांक्षाएं असीमित हैं। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का मुख्य द्वार है, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के यूपी को $1 trillion अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कारक है। ये ना? नहीं नहीं, ओके, मुझे नहीं। भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों के प्रबंधक अदानी एयरपोर्ट द्वारा निर्मित लखनऊ हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 3 भारतीय सभ्यता और विकास का प्रतीक है। लखनऊ का एयर ट्रैफिक भारत के एयर ट्रैफिक की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, और मास्टर प्लान के मुताबिक यात्रियों की संख्या प्रति वर्ष 56 लाख से बढ़कर 2039 तक 3,80,00,000 हो जाएगी। टर्मिनल 3 1,03,00,000 यात्री प्रति वर्ष की क्षमता रखते हुए लखनऊ हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन के अनुरूप ये टर्मिनल 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। इस टर्मिनल पर अंतरराष्ट्रीय मानक टेक्नोलॉजी जैसे डिजी यात्रा, सेल्फ बैग ड्रॉप्स, ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम्स और ई गेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की विरासत का जश्न मनाते हुए स्वर्ण घाट, बसंत बहार, उत्तर प्रदेश की झांकी, कितना खूबसूरत काम, स्वागत दीवार जैसे आर्ट इंस्टॉलेशन से यात्री अनुभव और भी बेहतर होगा। ये टर्मिनल लखनऊ के लोगों की ओर से भारत को एक उपहार है। लखनऊ हवाई अड्डे में टर्मिनल 3 शामिल होने से एयरपोर्ट में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे नए एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड्स, एयरक्राफ्ट टैक्सी वेज, 35,000 टन वार्षिक समावेशित कार्गो कॉम्प्लेक्स, 5,000 किलोलीटर का ग्रीन फील्ड फ्यूल फार्म, सिटी साइड विकास और एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब शामिल किया गया है। एक ग्रीन और क्लीन भविष्य के दृष्टिकोण के साथ टर्मिनल 3 एक नए युग का वादा है। अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है। स्वागत है एक ऐसे भविष्य में जहां आकाश की ऊंचाइयां सीमा नहीं, बस एक शुरुआत है। चौधरी चरण सिंह भाई, इंडिया में लिटरली अब आपको एयरपोर्ट जो है वो फुली ऑटोमेटेड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो सुविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मैं कहूंगी आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात में जो मैं हमेशा हवाई अड्डों के बारे में बोलती इंडिया के, कि लाइक जो जिस भी आपको शहर में वो दिखने को मिलता है और जिस स्टेट में होता है उसकी जो संस्कृति, जो कल्चर है, वो दर्शाई जाती है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भाई, वही ना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आपको एयरपोर्ट जो है वो दिखाई देते हैं। मैं तो भाई यहाँ पे कहूंगा जो गेट बनाए हुए हैं, जो गेट वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, एक बहुत यूनिक स्टाइल मुझे लगे उनका भी। कॉरिडोर भी बहुत अच्छे लगे, स्पेशली वो जो फ्लावर्स वाला था साइड, वो शीशे के बने होंगे ना, मे बी, मुझे भी लग रहा है कि ग्लास के ही लग रहे थे। मुझे भी ग्लास के लग रहे थे। इतना ज्यादा डीपली मुझे पता नहीं है, ये आप में से कोई बताइएगा जरूर। अच्छा, हाँ,
लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्पेशली एक वॉल जहाँ पर काशी जो है वो पूरा दर्शाया गया था वो बहुत खूबसूरत, मतलब जिस तरीके से वो बनाया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, कारीगरी बहुत खूबसूरत है। उसमें जो घाट के किनारे जो टेम्पल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो आपको सेक्रेट प्लेसेस देखने को मिलते हैं उसे जिस तरह हाईलाइट किया गया और द्वारों पे जो है वो लगाए गए हैं और आपको जो है उस शहर की जो है या उस स्टेट की जो है एक रौनक दिखाई गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वाकई जो है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है कि भाई आप जो है ना आने वाले यात्री हों, बेशक वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उन्हें उस स्टेट की जो है वो खूबसूरती का पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या कुछ देखने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत अच्छी है, फुली ऑटोमेटेड, बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड है और आप इसमें टाइम भी कम वेस्ट होता है देखा जाए। भाई देखे ना आपको सबसे बड़ी चीज क्या नजर आती है कि अब जो है ना इंडियन एयरपोर्ट से कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जो है वो जा रही है, करोड़ों में जो है ना वो बात की जा रही है एक साल में इतने यात्री आएंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई अब आपको जो है ना आपको इंडिया में एयरपोर्ट ऑटोमेटेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वैसे अडानी कंपनी जो है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है भाई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शंस में। मैं बोलूंगी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है भाई कंट्री की इकोनॉमी में, और जिस तरीके से यू नो वो गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कोलैब करते हैं और बनाते हैं, तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। डेफिनेटली जो बिजनेसमैन है उसको भी फायदा होता है, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 13,000 लोगों को जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी, तो ये भी एक उनका एक रोल होता है कि नए जितने भी लोग हैं जो यूथ है उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अर्न कर सके, अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सके। और मेरा ख्याल है कि भाई जब आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी यूथ को मिल रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके वहां पे खुशहाली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोगों के अंदर नजर आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा वैसे जो एयरपोर्ट है वो जो है चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे, और उससे पहले वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे और फिफ्थ चीफ मिनिस्टर भी थे वो। और उससे पहले अगर बात करें तो भाई वो जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रहे हुए हैं और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। ओके सो क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था इनके बारे में, तो हम लोगों ने सोचा कि हम देखते हैं कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है, मतलब उनके बारे में हम जाने। और ऑब्वियसली आप में से तो बहुत सारे लोगों को पता होगा उनके बारे में। सो इंटीरियर वाइज अगर मैं बात करूं, कलर के लिहाज से बात करूं, और स्पेशली मैं बात करूं इन्वायरमेंट के लिहाज से, तो जितने भी हम लोग नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं इंडिया के एयरपोर्ट्स के हवाले से भी बात करें, तो मुझे लगता है कि उसमें काफी ज्यादा उसका ख्याल रखा जा रहा है इन्वायरमेंट का। भाई कलर कॉम्बिनेशन की बात की तो मुझे लगता है कि इंडिया में शुरू से ना हर चीज में इसका बहुत ज्यादा जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। जैसे हम मुंबई का एयरपोर्ट देखते हैं, दिल्ली का भी एयरपोर्ट देखते हैं, तो वहां पे भी जो कलर कॉम्बिनेशन, अगर दिल्ली के एयरपोर्ट में अगर आपको याद हो जो योगा के पोस्टर्स बने हुए उनमें भी कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा जो है वो यूज किया गया है। लेकिन तो मुझे एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है ना, वो चीज बड़ी अच्छी है कि लाइक यू नो एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। बीच में एक बात बोली गई थी 5000 किलोलीटर ग्रीन फील्ड फ्यूल फार्म, ये मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो जो हम लोग देख रहे हैं ग्रीनरी तो काफी ज्यादा नजर आ रही है और एक तरह से ना मॉडल में रिफाइनरी टाइप कुछ नजर आ रहा है। शायद वो रिजर्व्स होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी मतलब जो ऑर्गेनिक तरीके से मतलब जो मेबी हो सकता है बायोफ्यूल टाइप कुछ। एग्जैक्टली मैं यही बात बोलना चाह रही थी, मुझे लग रहा है कि शायद उस तरीके से, तो वो जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कि क्या इसी की मतलब इसका मतलब यही है। और इसी के साथ हमारे गुड बाय।